आज दिनांक 15 मार्च को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर की मासिक बैठक का आयोजन रावतपुर बस स्टैंड पर किया गया। संगठन के राष्ट्रीय सचिव ओम शंकर तिवारी ने आंदोलन कर सदस्यों के साथ आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हम पिछले 4 सालों से लगातार विभिन्न प्रकार के आंदोलन करते चले आ रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश तिवारी ने न्यूज भारत के संवाददाता से हुई वार्ता में बताया, आज जो 4/3/2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको पूरा आश्वासन दिया था कि ईपीएफ पेंशनरों की हम पेंशन बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक किसी भी प्रकार का उसमें विचार नहीं किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देश के अंदर 4 जगह सम्मेलन कर रहे हैं। पहला सम्मेलन हमारा 19 तारीख को अहमदाबाद में होएगा, दूसरा सम्मेलन हमारा 21/3/2021 को कानपुर में किदवई नगर कर्मचारी धर्मशाला में होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी और माननीय संसद महोदय सत्यदेव पचौरी हमारे मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद ये जो 23 तारीख को बंगाल में हमारा अधिवेशन होगा और बंगलौर में हमारा जो है 26 तारीख को अधिवेशन होगा। ये सरकार के खिलाफ खुली चुनौती हमारे इन जो है ईपीएफ पेंशनरों की है। हम आंदोलन करके सरकार को जागृत करने के लिए ये आंदोलन, ये हमारा सम्मेलन पूरे देश के कोने कोने में हम लोग कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और जो वादा किया है उसको पूरा करें। कुल कितने पेंशनर हैं जिनके 65 देश के अंदर हमारे 65 लाख पेंशनों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो कितने हैं? कानपुर में हमारे 58,000 पेंशनर केवल कानपुर में। भारी संख्या में कर्मियों ने पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एकजुटता के साथ प्रदर्शन किया। पूरी हो, मजबूरी हो, जो पेंशन का काम करेगा, देश पर राज करेगा, जो पेंशन का काम करेगा, देश पर राज करेगा, जो पेंशन का काम करेगा, देश पर राज करेगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानपुर से निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।